एक विवाहित पुरुष के साथ अविवाहित महिला का रहना चर्चा का विषय बन गया। आखिरकार दोनों ने शादी का फैसला किया। ये भी जान जी जान लेके उनका सेवा करती थी, वो भी अपना तो वही बताती थी कि देखो वो क्या करता था, ठीक भी हो जाता था तो नहीं जाता था, यहाँ से पड़ा रहता था। हम उसे कहते तुम जाते क्यों नहीं हो, तुम तो ठीक हो गया है, कि नहीं हमको और रहने का मन करता है। उसके बाद जब हम लोग निकलते थे वो केवाड़ी फाँट से देखता था हमको, फिर मुड़ते थे हम क्या कर रहे हो, कि नहीं 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 कुछ नहीं, कि अभी तो जहाँ हम आते थे लेट जाता था कि हमको तबीयत ठीक नहीं है, कि बहाना करता था कि वो दिल्ली गया तो हम लोग का ट्रेनिंग था दिल्ली में, वहाँ बहाना करके चला गया दिल्ली। जब पूछे थे क्या कि नहीं अपने काम से हम आए हैं। इसी तरह होते होते दोनों का शादी होने का हुआ, तो उसका भाई लोग बोले नहीं वो लड़का ठीक नहीं है, शादी नहीं करना है उससे। एक टीबी के बीमार से लतिका की शादी का परिवार में जमकर विरोध हुआ। परिवार के लोगों ने कहा विधवा हो जाओगी, लेकिन लतिका ने एक न सुनी। शादी की खरीद पटना से हुई और ब्याह की रस्मों के लिए हजारीबाग लेकर आ गईं। मंडप में रेणु पहुंचे तो खून की उल्टियां हो रही थी, उन्हें दीवार के सहारे बैठाया गया। लतिका को वरमाला डाली तो दो दोस्तों की मदद से खड़े हो पाए। उन दिनों बंगाल में परंपरा के मुताबिक ससुराल में जब बहू पहुंचती थी तो बहू भात की रस्म होती थी। इसमें दूल्हा खीर मछली और अन्य सामान थाली में रखकर बोलता है, आज ठेके तुम्हार भात कापोडेर भार ने लाए, याने आज से वधू का खर्चा मैं उठाऊंगा। लेकिन रेणु की शादी में उल्टा हुआ, यानी लतिका ने ये रस्म अदा की और दूल्हे का भार उठाने का वचन लिया। चूंकि रेणु के पहले ही 4 बच्चे थे तो लतिका ने फैसला किया कभी मां नहीं बनेगी। उन्होंने गर्भाशय निकलवा दिया और रेणु के बच्चे हमेशा उन्हें मां का सम्मान देते रहे। हम पूछे कि आप शादी किए तो आप अपने से बाल बच्चा क्यों नहीं हुआ, कि नहीं कि हमको बच्चा नहीं चाहिए, तुमको इतना बच्चा है और क्या चाहिए हमको। क्या आज के प्रेम में त्याग की ऐसी कहानियां नजर आती हैं? पहुंचा के उनका जितना दोस्त थे सब ऐसे कपड़ा लगा के नाक से निकाल कर चले आए। तो वहाँ के दोस्त लोग जो थे नरोदय सर जी, विश्वमोहन जी, एक जना का एक दो तीन हमको बोले देखिए अब तो सब घर चला गया, डर के मारे सबको लग जाएगा ये बीमारी। उनका तो बकेट बकेट होता था ना ब्लड, थोड़ा था तो नहीं पूरा बाल्टी भर भर के बकेट बकेट होता था, तो सबको चला गया वहाँ लगा। तो हम बोले देखा जाए भगवान। कम लोग ये जानते हैं कि रेणु ने पटना में जब मैला आंचल लिखा तो छपाने के लिए पैसे नहीं थे। लतिका ने शादी के गहने बेचे और दुनिया के सामने मैला आंचल छप कर आया। इतना ही नहीं, नेपाल के क्रांति संग्राम में जब रेणु को जान का खतरा हुआ तो लतिका ने गाढ़ी कमाई से रेणु के लिए इंग्लैंड में बनी एक रिवॉल्वर खरीदी। ये रिवॉल्वर हमेशा रेणु की कमर में बंधी रहती थी। 3 साल पहले 13 जनवरी 2011 को लतिका रेणु की यादों को साथ लिए हमेशा के लिए चली गई। परिवार के बाद फिर लौटते हैं उनके रचना संसार पर। हमने आपको बताया था कि मैला आंचल और परिती परिकथा ने रेणु को साहित्य संसार का एक सितारा बना दिया था। लोकप्रियता के कारण ऑल इंडिया रेडियो के पटना केंद्र पर प्रोड्यूसर की नौकरी का न्योता मिला। रेडियो पर काम करते हुए उनका 3रा उपन्यास पलटू बाबू रोड और धूम मचाने वाला कहानी संग्रह ठुमरी छप कर आया। ये दौर रेणु के जीवन का
सर्वश्रेष्ठ रचनाकाल था। एक के बाद एक उपन्यास आते रहे और कीर्तिमान बनाते रहे। इनमें प्रमुख हैं जुलूस, दीर्घ तपा और कितने चौराहे। अगले ही साल यानी 1960 में मोहन राकेश के संपादन में 5 लंबी कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित हुआ। इसमें रेणु की नायाब कहानी मारे गए गुलफाम छपी। ये वही कहानी है जिस पर एक ऐसी अद्भुत फिल्म बनी जो आज भी हिंदुस्तान के आंचलिक परिवेश पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। जानते हैं ये कौन सी फिल्म है? जी, आप ठीक सोच रहे हैं, ये फिल्म है तीसरी कसम। फिल्म की कहानी और संवाद खुद रेणु ने ही लिखे थे। फिल्म इंडस्ट्री का ये एक अनोखा उदाहरण है। बिना किसी ट्रेनिंग के जो डायलॉग रेणु ने रचे उनका आज भी कोई जोड़ नहीं है। सुनते हैं तीसरी कसम के कुछ डायलॉग। जी, आपका मुंह बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलो ना। आपका मुंह बिल्कुल छोकरा नाच के मनुआ नटुआ जैसे दिखता है। हाय राम, मैं क्या छोकरा जैसे दिखती हूँ? जी नहीं, वो छोकरे ही लड़की नुमा हुआ करते थे। इस मुल्क के लोगों में बस यही बात बहुत बुरा है, राह चलते 100 जिरा करेंगे। कहाँ जा रहे हो, कौन गांव है, कहाँ से आए हो, गाड़ी में कौन बैठा है। अरे तुमको जहाँ जाना है जाओ, देहाती पूछ करेंगे। यराब तो तनिको न माने। इस फिल्म का हर हिस्सा बेमिसाल था। फिल्म बनाई थी रेणु के लंगोटिया बिहारी दोस्त और जाने माने गीतकार शैलेंद्र ने। भाइयों और बहनों, दस तरीके तो बहनों है नहीं, सर कोई बात नहीं। कैमरामैन थे सत्यजीत रे के पसंदीदा सुब्रत मित्र। हीरो राज कपूर और हीरोइन वहीदा रहमान की अद्भुत केमिस्ट्री। मैं नहा लेती हूँ। हाँ पर यहाँ नहीं। क्यों? ये मऊआ घटवारन का घाट है, यहाँ कुंवारी लड़कियां नहीं नहाती। किस्सा होता है शुरू पाक इश्क रंगीन, नाम अमीर दमिश्क के थे एक। शैलेंद्र के गीत कहानी से ऐसे घुल मिल गए कि लगता कहानी के साथ गीत भी बहते जा रहे हैं। एक झलक कहानी से इस तरह गुथे गीतों की। वो जो मऊआ घटवारन का घाट था ना, उसी मुल्क की थी मऊआ। थी तो घटवारन लेकिन 100 सतवंती में एक। उसका बाप दिन दिहाड़े ताड़ी पी के बेहोश पड़ा रहता था। उसकी सौतेली माँ थी साक्षात राक्षसनी। मऊआ कुंवारी थी, हरी पूरी दुनिया में कोई ना था उसका। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जमानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजरे वाली मुनिया, चलत मुसाफिर
चलत मुताबिक मोहलिया रे पिंजरे वाले मुनिया चलत मुताबिक मोहलिया रे पिंजरे वाले मुनिया। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करे और दिलो जा मैं तुझको देखा करूं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन वा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बांटे, चिट्ठिया हो तो हर। तीसरी कसम के चक्कर में रेणु का मन रेडियो की नौकरी से उबने लगा, उन्होंने आकाशवाणी छोड़ दी। जब तीसरी कसम बनकर तैयार हुई तो उन पर 500 रुपए का कर्ज था और शैलेंद्र के पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, मगर कहानी के साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। हुआ ये कि राज कपूर उन दिनों बड़े शोमैन बन चुके थे, उन्होंने शैलेंद्र से कहा फिल्म का अंत दुखद है, इसे बदल दो और नायक नायिका को मिला दो। शैलेंद्र ने कहा अगर मुझे बम्बैया फिल्म बनानी होती तो तीसरी कसम की कहानी ही क्यों लेता। राज कपूर बेहद खफा हुए और रेणु को बुलाया गया, कहा गया अंत बदल दो। रेणु ने वहां मौजूद लोगों की जमकर खबर ली और तब्दीली से साफ इनकार कर दिया। राज कपूर के वितरकों ने फिल्म से अपने हाथ खींच लिए। मारा मत। हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए। उलट उलट के क्या देखते हो, खाओ कसम फिर कभी कंपनी की बाई को गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को। 3-4 लाख में बनने वाली फिल्म की लागत 20-22 लाख तक जा पहुंची थी, लिहाजा कर्ज चढ़ाए शैलेंद्र इस दुनिया से चले गए और फिल्म ने उनकी मौत के बाद झंडे गाड़े। रेणु टूट गई, रेडियो की नौकरी पहले ही छोड़ चुके थे, आखिरकार पत्रकारिता शुरू कर दी और उन दिनों नक्षत्र की तरह चमक रहे साप्ताहिक दिनमान में लिखना शुरू कर दिया। लेकिन रेणु आजादी के बाद के भारत में दबे पांव दाखिल हो गई कुछ बुराइयों से आहत थे। वो लिखते हैं मैं गांव छोड़कर पटना में था और वहां से इलाहाबाद चला गया ये देखने के लिए कि सारा हिंदुस्तान अपना है या नहीं। अपनी जवानी में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में था तो पूरा हिंदुस्तान अपना लगता था, लेकिन आज़ादी के बाद कुछ ऐसा माहौल बना कि अब अपने ही प्रांत में पूछा जाता है कि मैं पूरब बिहार का हूँ या दक्षिण बिहार का, इस जाति का हूँ
या उस जाति का, और उस जाति में भी उपजाति कौन सी है? कोई 3-4 साल वो दिनमान में बिहार से लिखते रहे। 1970 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1973 में उन्हें राजनीति सुधारने की सनक सवार हुई और फारबिसगंज से विधानसभा के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ बैठे। नतीजा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अगले साल लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में कूदे और करीब 74 दिनों तक पूर्णिया जेल में बंद रहे। उनकी गिरफ्तारी का बड़ा विरोध हुआ। आंदोलन में अपना कदम बढ़ाते ही सबसे पहला काम किया कि पद्मश्री लौटा दिया। जो कुछ पुरस्कार वगैरह उनको मिले थे वो लौटा दिया उन्होंने। बहरहाल हम बात कर रहे थे 70 के दशक की। बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जब जेपी ने एक बड़ा मौन जुलूस निकाला तो रेणु गंभीर बीमारी को ताक में रखकर उसमें शामिल हुए। आपातकाल के दौरान वो कर्पूरी ठाकुर के साथ भागकर नेपाल चले गए, भूमिगत रहे और अगले साल यानी 1976 में लौट कर आए। बीमारी बढ़ती जा रही थी, वो गांव में ही सेहत सुधार के लिए रुक गए। हालत दिनों दिन बिगड़ती गई, यहां तक कि 16 नवंबर 76 को जब वो किसी जरूरी काम से फारबिसगंज आए और स्टेशन पर उतरे तो बाहर ही उन्हें खून की उल्टी हो गई। इसके बाद उन्हें एक बार फिर पटना अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वहीं एक दिन पता चला लोकसभा चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। रेणु खुश थे। 30 जनवरी 77 को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली हुई और वो जेपी का भाषण सुनने के लिए चुपचाप अस्पताल से खिसक लिए। बीमारी में भी वो चुनाव प्रचार में लगे रहे। खाने पीने की सुध न थी, इसलिए अल्सर ने भी हमला बोल दिया। 24 मार्च 1977 को बड़ी मुश्किल से वो ऑपरेशन के लिए तैयार हुए। उसके लिए एनेस्थीशिया दिया गया। ऑपरेशन तो हो गया लेकिन रेणु होश में नहीं आए। 14 दिनों की लंबी बेहोशी के बाद 11 अप्रैल 1977 को ये क्रांति दूत हमेशा के लिए खामोशी से विदा हो गया। उनकी जो उम्र जो थी वो जाने की नहीं थी। हम लोगों ने ये सबने जयप्रकाश जी तक उनको देखने आते थे। रेणु जी को आप समझ सकते हैं, रेणु हमारे कितने प्रतिष्ठित लेखक थे कि जो लोकनायक जयप्रकाश जी थे वो खुद आते थे देखने के लिए उनको। लेकिन उनकी एक जिद थी, वो नहीं गए दिल्ली। अगर वो दिल्ली जाते तो शायद मतलब वो हमारे बीच होते आज। क्रांति दूत की देह विदा हो सकती है लेकिन क्रांति का विचार नहीं। भारतीय हिंदी साहित्य में रेणु अपने लेखन और क्रांतिकारी सोच के चलते हर दौर में याद किए जाएंगे। तो ये था फणीश्वरनाथ रेणु पर हमारा खास प्रोग्राम क्रांति दूत। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी नए शब्द सितारे से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।